किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई नया काम ये सोचकर ना करें कि इससे कोई लाभ मिलेगा। आप सिर्फ काम करें, अच्छे कामों से दूसरों की भलाई की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर रोचक जानकारियों की कड़ी में लेकर के आया हूँ, नोबेल पुरस्कार में कितनी धनराशि मिलती है और यह अभी तक भारतीयों को कितने मिल चुका है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जानते हैं रोचक जानकारी। क्या आपको मालूम है कि एक नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति को कितना पैसा नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और अब तक कितने भारतीय लोगों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? अगर नहीं तो आज हम आपको रोचक जानकारियों की कड़ी में इसी नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसकी कब शुरुआत हुई और किन-किन क्षेत्रों में और कितने भारतीय लोगों को अब तक यह सम्मानित किया जा चुका है? स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1901 में हुई थी। इस फाउंडेशन का उद्देश्य नोबेल प्राइज का आर्थिक संचालन करना। इस फाउंडेशन में कुल 5 लोग होते हैं। इस फाउंडेशन के मुखिया का चयन स्वीडन का किंग ऑफ काउंसलिंग करता है। हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार का ऐलान होता है। नोबेल प्राइज जीतने वाले लोगों को पुरस्कार और धनराशि 10 दिसंबर को दिया जाता है। बता दें कि 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है, लगभग 9 करोड़ रुपए भारतीय रुपए में। तो इस तरीके से यह हमारे प्रशस्ति पत्र के साथ साथ इतना पैसा भी दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक फंड में रखा जाए और इसके सालाना ब्याज से मानव जाति के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को पुरस्कृत किया जाए। शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नार्वे के ओस्लो में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में घोषणा की है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसी एक नार्वे कमेटी द्वारा दिया जाए। स्वीडन के बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे। जी हाँ, क्योंकि ये पहले भारतीय रहे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में साहित्य के लिए दिया गया था। रविन्द्रनाथ को यह पुरस्कार उनकी कविताओं की किताब गीतांजलि के लिए दिया गया था। उस समय ब्रिटिश भारत के नागरिक थे जब उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर वेंकट रमन यह पहले भारतीय हैं जिन्हें भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तमिलनाडु में जन्मे इस महान पुरुष को यह पुरस्कार 1930 में मिला था। उस समय ब्रिटिश भारत के नागरिक थे जब उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेंकट रमन को उनके विज्ञान जगत के आविष्कार, जिसे हम रमन इफेक्ट से जानते हैं, उनके लिए दिया गया था। हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर काम किया था और जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया था, जिस वजह से उन्हें इस महान पुरस्कार से नवाजा गया था। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जो भारत में पैदा हुए थे लेकिन बाद में भारत के गैर नागरिक थे। मदर टेरेसा, मेसिडोनिया में जन्मी इस महान नारी ने अपनी पूरी जीवन कलकत्ता में गरीबों की देखभाल में लगा दिया। गरीबी हटाने के लिए उन्होंने मिशन ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इतना ही नहीं, उन्होंने कुष्ठ रोगियों
और ड्रग्स के लत के शिकार बने लोगों के लिए निर्मल हृदय नामक संस्था की भी स्थापना की थी। साल 1979 में उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वेंकट रमन के भतीजे थे। उन्होंने अपनी शिक्षा चेन्नई के प्रेसिडेंट कॉलेज से पूरी की और फिर बाद में अमेरिका चले गए। वहां जाकर उन्होंने सौर मंडल और खगोलीय भौतिक शास्त्र संबंधित विषयों के बारे में अनेक किताब लिखी। उन्हें साल 1983 में भौतिकी शास्त्र में नोबेल पुरस्कारों से नवाजा गया था। अमर्त्य सेन का जन्म पश्चिमी बंगाल में 1933 में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा बांग्लादेश की राजधानी ढाका से पूरी की थी। उन्होंने देश एवं विदेश अनेक कॉलेजों में पढ़ाया है और साथ ही साथ विकास और कल्याण पक्षों पर अनेक पुस्तकें लिखी, जिसके लिए उन्हें केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरी एशियाई देशों में अमर सेन को यह पहले इंसान है जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बीएस नायपाल का जन्म भले ही त्रिनिदाद में हुआ था, लेकिन वह मूल निवासी भारत के थे। बाद में वे ब्रिटेन चले गए और वहीं की नागरिकता ले ली। नोबेल पुरस्कार से पहले उन्हें बुकर प्राइज और भी 1990 में ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया। साल 2001 में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आर के पचौरी को नोबेल पुरस्कार साल 2007 में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिला था। दरअसल उनका रिसर्च जलवायु परिवर्तन पर था और 2007 में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन की कमेटी के साथ संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से नवाजा गया था। वेंकट रामन कृष्णन का जन्म तमिलनाडु में 1992 में हुआ था। वह पढ़े लिखे घर से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें साइबोजोम की संरचना और उसके कार्य प्रणाली के शोध में रसायन विज्ञान में साल 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जो भारत में पैदा हुए थे लेकिन बाद में भारत के गैर नागरिक थे, हालांकि वे अभी भी अक्सर भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची में शामिल होते हैं। कैलाश सत्यार्थी को बाल मजदूर के उन्मूलन और बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए साल 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सत्यार्थी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ गए। उन्होंने छोटे बच्चों के बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरों के लिए आवाज उठाई थी। साल 1961 में जन्मे अभिजीत बनर्जी ने अपनी शिक्षा कलकत्ता यूनिवर्सिटी और जेएनयू से पूरी की। फिर बाद में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। उन्हें 2019 में गरीबी हटाने के क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इतना ही नहीं, यह पुरस्कार उनके साथ साथ उनकी पत्नी को भी मिला। तो इस तरीके से हमने नोबेल पुरस्कार में जो भारतीयों का योगदान रहा, उनको जो पुरस्कार मिला, धनराशि मिली, उसके बारे में हमने जानकारी ली। इसके पहले हमने अल्फ्रेड नोबेल ने यह पुरस्कार क्यों लोगों को देना शुरू किया, उसका क्या रीजन था, उसकी जो पीछे की कहानी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसको लिंक में डाल दूंगा कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार करने के बाद यह पुरस्कार की घोषणा क्यों की थी, तो उस स्टोरी में आप इसको देख सकते हैं। बहुत रोचक स्टोरी है। अब अगली रोचक जानकारियों की कड़ी हम लेकर के आते रहेंगे ऐसे ही प्रत्येक सोमवार को। तो तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह रोचक जानकारियों कड़ी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन रोचक जानकारियों की कड़ी हर सोमवार को पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।